कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। राहुल की इस पैदल यात्रा में बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई नामी सितारे भी अपनी भागीदारी पेश कर चुके हैं। कुछ दिन पहले हिंदी सिनेमा की दिग्गज एक्ट्रेस पूजा भट्ट ने भी राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया है, जिस पर भाजपा नेता नितेश राणे ने पैसे देकर यात्रा में शामिल होने की बात कही है। महाराष्ट्र के भाजपा नेता नितेश राणे ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर कहा है कि तमाम फिल्मी सितारे जिस तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं, उस हिसाब से ऐसा लगता है जैसे इनको इस काम के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। गोलमाल है, सब गोलमाल है। बीजेपी नेता के इस बयान के बाद एक्ट्रेस पूजा भट्ट ने करारा जवाब देते हुए अपना रिएक्शन दिया है। दरअसल पूजा भट्ट ने मशहूर लेखिका हार्पर ली के एक कोट को अपने ट्वीट में रखते हुए लिखा है, वे निश्चित रूप से ऐसा सोचने के हकदार हैं, अपनी राय के लिए पूरे सम्मान के साथ हक रखते हैं, लेकिन इससे पहले मैं दूसरे लोगों के साथ रह सकूं, तो उससे पहले मुझे अपने साथ रहना होगा। एक चीज जो बहुमत के शासन का पालन नहीं करती है तो वह है व्यक्ति का विवेक। इस तरीके से पूजा भट्ट ने इशारों ही इशारों में बीजेपी नेता नितेश राणे को मुंहतोड़ जवाब दिया है। सिर्फ पूजा भट्ट ही नहीं बल्कि कई फिल्मी सितारे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो चुके हैं। इस मामले में एक्टर अमोल पालेकर, एक्ट्रेस रिया सेन, रश्मि देसाई और आकांक्षा पुरी जैसी कई सेलेब्स के नाम शामिल हैं। मालूम हो कि फिल्मी सितारों की मौजूदगी ने राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा को और भी हाईलाइट कर दिया है।